सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे आशीष जैन गाने वांग जी से मिलने गए थे और उन्हें बताया कि अब भी कहीं गायब हो गया, जिसकी वजह से भी काफ़ी शॉक मतलब वांग जी काफ़ी शॉक्ड हो गया था। अब आगे वांग जी जो कुछ समझ नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए वो यही सोच में पड़ा कि क्या उसने जो सुना वो सही है, क्या उसके भाई ने जो उसे बोला वो सच है या उसे कोई धोखा हुआ है। वो हिम्मत करते हुए अपने घबराते हुए मन से दोबारा से शिचैनिका से पूछता है, क्या 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 कहा बेहतर आपने? अब शिचैन अपने भाई की तरफ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका भाई बहुत ज़्यादा भोला है, कई मामलों में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनमें से एक शायद प्यार है। अब तक अपनी फीलिंग्स को ही वो श्योर नहीं है और ऊपर से अब अपने सबसे क्लोज पर्सन से वो दूर हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा भावुक होते हुए प्यार से वांग जी के कंधे पे हाथ रखते होते हैं। हाँ वांग जी, आई हमें बिना बताए कहीं चला गया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बताया मदर और फादर ने कि वो कुछ समय अकेले रहना चाहता था। शायद वो उस बात को सचमुच दिल पे लगा गया है कि वो एक वीक कल्टीवेटर है। तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि वो उस दिन भी शायद अगर कंपटीशन होता तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब तलवारबाजी में कोई नहीं था। यहाँ तक कि वो इतना स्ट्रांग है तुम्हें और मुझे पता है, शायद वो कभी ध्यान नहीं देता या लोगों के बीच में अपने कल्टीवेशन स्किल का शो ऑफ नहीं करता, वरना वो कहीं से भी किसी से कमज़ोर नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से उसका सबके बीच में मजाक बना, शायद हो सकता है उसका दिल भी हर्ट हो गया हो। शायद हो सकता है कि वो आज अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेला होने की वजह से वो सचमुच में सबसे दूर जाना के कुछ समय अकेले में बिताना चाह रहा हूँ। क्या पता आइन के मन में इस समय क्या चल रहा है, पर वो अब वो हमारे पास नहीं है जो हम उसके मन की बात जान सकें। ये बोलने के बाद शिचैन वांग जी को ही शॉकिंग स्टेज में छोड़ जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो भी वांग जी से अभी बात नहीं करना चाहते। वो भी हर्ट है मीन को लेके, मीन उनके लिए भी उतना ही प्यारा है जितना उनके लिए वांग जी है। मीन भी उनके एक ब्रदर ही है, एक छोटा भाई। जब विंग के पेरेंट्स को वो मदर और फादर बोलते हैं तो वो विंग को भी तो अपना छोटा भाई बोलते हैं, आइन बोलते हैं, तो कैसे वो विंग से दूर होने वाली बात से हर्ट ना हुए हों। वो भी हर्ट है, बस वो वांग जी जितने नहीं है, क्योंकि वांग जी के लिए तो एक मिनट के लिए सब कुछ रुक जाता है। उसका विंग अकेला महसूस कर रहा है। क्या सचमुच में आज वांग जी की चुप रहने की आदत की वजह से और वो अपने विंग का साथ ना दे पाने की वजह से अपने विंग से दूर हो गया? कहाँ होगा विंग, किस हालत में होगा विंग, कितना दुखी होगा विंग, पेरेंट्स की बेइज्जती, उसकी बेइज्जती, क्या हो गया ये? कुछ पल में सब कुछ बिगड़ गया, उससे उसका विंग इतनी दूर हो गया, ये हुआ कैसे? बेचारा वांग जी यही बातें सोच रहा था। लेकिन अब शायद पछताए, वो कहते हैं ना हिंदी की कहावत कि अब पछताए क्या करे चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल है। अब पछताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब स्टैंड लेना था तब तो वो स्टैंड ले नहीं पाया। अब तो सिर्फ दुख और गिल्ट के अलावा वांग जी के पास कुछ नहीं बचा है। क्या आपको लगता है वांग जी की भी इतनी बड़ी गलती थी? शायद नहीं, वो भी परेशानी में था। इतनी बड़ी वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, इतनी सारी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, कितने सारे सोल्जर हैं यहाँ जो अलग किसी के फैमिली के फादर हैं, किसी के ब्रदर हैं, किसी के सन हैं, उन सब की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इस समय वांग जी के ऊपर है। वो रोज इन सोल्जर को घायल होते हुए देख रहा था। इनमें से कितने सारे सोल्जर हैं जिन जो ऑलमोस्ट मरने की कगार तक इस समय यहाँ पर हैं, पपेट बनने वाले हैं, उन सब के बारे में सोचना शायद वांग जी के लिए इस समय उसकी प्रायोरिटी थी, इसलिए वो उस सोच में गुम था। वो इस समय तो वांग विंग से शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता था, इसी कारण वो शांत खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था चीज़ें ऐसी बिगड़ जाएं। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, वो भी इस समय विंग से मिलना चाहता था, दौड़ के उसके पास जाना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो इस समय ज़रूर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबा हुआ है। लेकिन वो विंग को कमज़ोर नहीं मानता, वो विंग की फैमिली को एक कहते ना सेल्फिश नहीं मानता, या मदद करने के बाद एक फ़ायदा उठाने वाले लोगों में से नहीं मानता, वो भी उन्हें अपने पेरेंट्स मानता है। उसे भी आज बहुत हर्ट हो रहा है अपने पेरेंट्स को ऐसे हर्ट देख के, लेकिन इस समय भी वो उन लोगों के पास जाना चाहता भी था, तब भी नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय इस पूरे एक तरह से कह सकते हैं वॉर कैंप जहाँ पे ये लोग हैं
वहाँ कोई नहीं था, सब लोग शादी में बिजी थे। लेकिन वो बेचारा तो वहाँ से सीधा यहाँ आया इन परी लोगों के लिए। बेचारा वांगजी सही होकर भी गलत है, और गलत है और वहीं भी गलत होकर भी सही है। सबके बीच में उसकी मदर गलत थी, गलत थी जो इस तरीके से इस सिचुएशन में उन्होंने शादी की बात स्टार्ट करी। लेकिन उसके बाद भी वो सही थी, क्योंकि उन्होंने कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी। ऐसा मदर बस मन की बात कही थी। दोनों के दोनों अपनी अपनी सोच में घूमे। वीन भी अब वहाँ पहुँच चुका है जहाँ सॉन्गलैंड और शाओशिंगशान उसे लेकर आए हैं। ये एक बड़ा सी हिडन केव है। इस केव को बाहर से देखो तो पहाड़ी के बीच में एक छोटी सी केव दिखेगी, एक केव का छोटा सा डोर। लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे तो एक पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है। चारों तरफ झरने हैं। ऊपर से केव के ऊपर से बहुत बड़ी ओपनिंग है, जैसे कि ऊपर से यहाँ से सनलाइट आती हो। इस समय तो रात है, तो इसी कारण वहाँ से मूनलाइट आ रही है। प्यारी सी हर मतलब हर तरह की ज़रूरत का सामान है। प्यारी सी एक छोटी सी दुनिया बनी हुई है जिसमें कुछ ही लोग हैं। इस समय भी कुछ लोग हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कल्टीवेशन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो गार्ड कर रहे हैं। इन चीज़ों को देख के शौक है। तभी शॉन्गलैन और शाओशिंगशान बताते हैं, ये एक स्पेशल जगह है जो बाउशा शरण के टाइम से बनी है। यहाँ पे कुछ ही शिष्य नम बुलाए जाते हैं, और जो लोग एक बार यहाँ आ जाते हैं तो काफ़ी कम चांस होता है कि वो वापस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाए। काफ़ी लोग जो यहाँ शिष्य बने हुए हैं वो यहीं पे शादी करके अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। इनमें से कुछ हैं जो वापस कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी जा चुके हैं, जैसे कि उसकी मदर। लेकिन अधिकतर लोग यहीं रहना पसंद करते हैं, ज़रूरत के समय बाहर आते हैं। इन लोगों को अभी तक कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले लोगों ने इनवाइट नहीं किया या वॉर के लिए पूछा ही नहीं, तो ये वहाँ नहीं जा रहे। लेकिन अब वो जब वांगजी वीन यहाँ आए तो इन लोगों से बात करेगा, अपनी इस छोटी सी आर्मी को भी रेडी करेगा ताकि वो लोग भी वॉर में मदद करें। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, वांगजी का गिल्ट बढ़ता जा रहा है। हर दिन जो रात में जब वो अपने अंकल को बटरफ्लाई मैसेज भेजता है, पूरे दिन की जो भी उन्होंने उसने और उसके ब्रदर ने किया है उसी के साथ एक लेटर लिखता है, एक लेटर विन के नाम का। हर एक दिन एक लेटर है जिसमें वो विन को लिखता है। शायद लिखता तो सिर्फ चार लाइनें, विन तुम कहाँ हो, आज मैंने ये किया, विन तुम यहाँ होते तो ये होता। चाहे पांच या एक कहते ना, मुश्किल से 10 लाइनों से ज़्यादा वांगजी विन के बारे को नहीं लिख पाता। लेकिन हाँ, वो दिन में क्या करता है विन को याद करके वो ज़रूर विन के लिए वो लेटर लिखता है। वहीं दूसरी तरफ विन सब कुछ भूल चुका है। इस समय वो जिस हार्ड ट्रेनिंग में गुजर रहा है, शायद कोई और होता तो पूरी तरह से कम एक तरह से डेड वाली सिचुएशन में आ जाता। चारों तरफ गोस्ट उसके घूमते रहते हैं। उसे डार्क कल्टीवेशन सिखाई जा रही है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वीन आजकल सो भी नहीं पाता, रात भर उसे उन गोस्ट मतलब एक तरह भूत और एक तरह से आत्माएँ स्प्रिट हॉन्ट करती है। ना आँख बंद करने के बाद ही वो लोग उसकी आंखों के आगे आते रहते हैं। लोगों का दर्द, जैसे कोई मरता है तो उस समय वो पेन वो वांग विंग फील करता है। विंग की बॉडी पे ऊपर से देखा जाए तो कोई मार्क नहीं है, लेकिन इनर देखा जाए तो विंग की सोल पूरी तरह से हर्ट है, बहुत ज़्यादा घाव है। वो प्योर सोल जो दूसरे का दुख थोड़ा सा देख के दर्द घबरा जाता था, वो प्योर सोल आजकल इन सब चीज़ों से गुजर रही है, इन लोगों के पेन और दर्द को महसूस कर रही है। ये भी कल्टीवेशन वर्ल्ड मतलब एक तरह से कल्टीवेशन वर्ल्ड के वो लोग हैं, यानी वो स्प्रिट्स हैं जो पेन में थी, जिन्हें आजकल विरल माउंटेन में विंग की ट्रेनिंग के दौरान विंग उनसे मिलता है। विंग जानता है कि वो जिस हार्ड ट्रेनिंग में जा रहे हैं डार्क कल्टीवेशन के लिए, उसे ये पेन बेयर करना सीखना पड़ेगा। विंग के अंदर वो कहीं सॉफ्ट बबली नेचर ख़त्म होता जा रहा है। दिन पे दिन ये खूंखार दर्द से भरा हुआ नफ़रत से भरा हुआ विंग बनता जा रहा है। उन स्प्रिट के साथ की वो नफरत, वो रिवेंज की जो एक आते ना रिवेंज वाली फीलिंग, वो भी विंग के अंदर बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सॉन्गलैंड और शाओशिंगशान को डर लग रहा है कि विंग बहुत मासूम है, कहीं उसके अंदर पूरी तरह से ये नफरत रिवेंज एंगर टेक ओवर ना कर दें। लेकिन शुरुआत के 3 महीने बाद चीज़ें बदलने लगी हैं, क्योंकि 3 महीने बाद विंग की वो गोल्डन कोर अब फॉर्म में आ रही है। शुरुआत में जो विंग दर्द
हर नाइटमेयर, इस टाइप की चीज़ें फील करता था। अब वो भी वापस से पुरानी वाली तरह चहकने मुस्कुराने लगा। उसका कारण ये है कि बाकी शायद कोई और गोल्डन कोर होती तो वो धीरे धीरे करके इस नेगेटिव एनर्जी, इस डार्क कल्टीवेशन के बीच में तो मैं अपने आप को मतलब होता है ना, वीक पे वीक पड़ती रहती। लेकिन विंग की तो कोर ही इन डार्क एनर्जी, इन आयरन से बनी है, तो उससे तो विंग की गोल्डन कोर और स्ट्रांग होती जा रही है। सॉन्ग लेन और शॉन्ग शिंगन ने अविंग की पुरानी आदतों को, पुराने नेचर को वापस आता देखे मन में खुश है। यहाँ एक तरफ विंग स्ट्रांग पे स्ट्रांग बनता जा रहा है, उसकी गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वॉर्क में बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब तो भी चांद से भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये अब वैन रोहन जीत जाएगा। पहले तो सिर्फ जिन जुशान घायल हुआ था, आज तो नीमिंजो भी काफ़ी घायल है। इतना ही नहीं, शिचैन भी आज थोड़ा घायल हुए थे नीमिंजो को बचे साथ देते देते, लेकिन वो भी नीमिंजो की भी हालत बुरी है। धीरे धीरे करके अब अपने बड़े बड़े सोल्जर्स को, बड़े बड़े योद्धाओं को ऐसे घायल होता देख, परेशान होता देख, कहीं ना कहीं भी चांद से अब घबरा रहे हैं। इन्होंने भी पता है कि अब वो भी कुछ नहीं कर सकते, बस इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं विंग के आने का। उन्हें समझ आ चुका है कि इस इन आयरन को सिर्फ विंग ही रोक सकता है। वो समझ चुके हैं कि एक लोहे को लोहा ही काट सकता है। जिस तरीके से ये इन आयरन की डार्क कल्टीवेशन की ये जो एनर्जी है, इसे एक ऐसा ही कोई है जो रोक सकता है, जो कि इस मतलब डार्क कल्टीवेशन करना जानता हो। विंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो, इसी कारण वो साउ शिनचैन को मैसेज भेजते हैं कि जल्द से जल्द विंग और उनकी वो टीम जिसे वो रेडी करके लाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाए। साउ शिनचैन और सॉन्गलैन भी इस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। वो विंग को बताते हैं कि मतलब नीमिंजो की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, और इतना ही नहीं शायद शिचैन को भी चोट लगी है। शिचैन का नाम सुनते ही विंग की तो चेहरे की एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके प्यारे से शिचैन का, जो उसे इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, उन्हें चोट लगने सुन के विंग घबरा जाते हैं। और इतना ही नहीं, अब ये वो विंग नहीं है जो घबराए और परेशान हुए, ये विंग तो गुस्से में आ जाता है। विंग की आंखें रेड हो जाती हैं और विंग बोलता है, बहुत हो गया, बहुत हो गया इस वैन रोहन का नाटक, अब बारी है असली वॉर की। चलिए चलिए अंकल, अब वैन रोहन को असली वॉर करना सिखाते हैं। चलिए वैन रोहन से अब फेस टू फेस मिलते हैं। इस बात पे सॉन्गलैन और शॉन शिनचैन भी एक दूसरे की तरफ देख के एक कनिंग सी स्माइल पास करते हैं, क्योंकि वैन रोहन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सारे बॉक्सर सेवन के जो स्टूडेंट थे वो उसके अगेंस्ट आ जाएंगे। ये कितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं, ये अच्छे से जानता है वैन रोहन, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अगेंस्ट अब इतना बड़ा वॉर होने वाला है। जैसा सुसाइड हुआ था अगले दिन मॉर्निंग में भी, आज ये सब लोग फ्रंट पे हैं। आज मांग जी भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि घायल होने वाले दो लोग, एक उसके ब्रदर और एक उसके ब्रदर के सबसे करीबी दोस्त नीमिंजो हैं। आज हर कोई इस वॉर को एंड करना चाहता है, और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, और लोगों को पपेट बनते हुए नहीं देख सकते हैं। इसमें सब लोग आज यही सोच के निकले कि या तो आज आर होगी या पार होगी। अगर आज वैन रोहन को नहीं मानेंगे तो फिर खुद ही मर जाएंगे, लेकिन अब ये छोटी छोटी वॉर नहीं होगी। वहीं वैन रोहन को भी खबर मिल जाती है कि उससे अगेंस्ट शायद बॉक्सर सेवन के स्टूडेंट भी आ रहे हैं। वही वैन रोहन जो अब तक अपने वॉरियर्स को, अपने बेटों को भेजता था, आज वो खुद भी इस वॉर ग्राउंड में आ गया है। जैसा वैन रोहन ने सोचा था, आज सारे के सारे लोग उसके सामने खड़े हैं, यहाँ तक कि बाकी सारे कल्टिवेटर मतलब एक तरह से सेक लीडर्स भी यहाँ आ चुके हैं, जिसमें लान कुरैन, जिंड बॉन्शान और हम एक तरीके से जो जैन फैमिया, सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन सबको एक साथ देख के वैन रोहन वहीं अपने ऊंचे से तख्ते पे खड़े होके जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं, वाह भाई वाह, आज तो सचमुच मज़ा आएगा। सारा का सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड यहाँ पर है, अब मेरे सेक्ट में आया है, आज तो इनकी स्पेशल खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। ये सोच के वैन रोहन जोर जोर से हंसने लगते हैं अपने, और वहीं वैन रोहन का साथ देने वाला पीछे छुपा हुआ मिंग्याओ घबरा जाता है। मिंग्याओ ने उम्मीद नहीं की थी कि वैन रोहन के सामने इस तरह से सब आ जाएंगे। मिंग्याओ दोनों साइड से प्ले कर रहा है, जहाँ वो एक साइड से वैन रोहन का साथ देने का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी साइड से वो ही लैन मतलब एक तरह से लान शिचैन को खबरें पहुँचाता था। वहीं लान शिचैन भी
उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो मिंग्याओ के लिए वरी हैं। वही मिंग्याओ घबरा रहे हैं कि अगर वो यहाँ उसे यहाँ देख लिया तो कहीं कोई बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ से वाहन के दोनों बेटे वेंचाओ और वेंजू भी आगे आते हैं। अपनी इन आयरन की पावर से आज ये सब लोग अपने ही घमंड में हैं, इतनी घमंड और एटीट्यूड में हैं कि आज तो ये इन सबको मार देंगे और आज ही ये सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के नए रूलर बन जाएंगे, सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे। इसी घमंड में ये लोग ये देख भी नहीं रहे हैं कि इन लोगों के पीछे भी एक आर्मी आ रही है जो आज तो छोटी संख्या में रही है। शायद कुछ मुश्किल से 25-30 लोग होंगे, लेकिन वो 25-30 लोग कम से कम 25,000 लोगों से ज़्यादा भारी हैं। वो लोग भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वहीं बैन रॉन अटैक करके शोर मचा देता है, जिसके कारण अब उसकी पपेट आर्मी चारों तरफ से उन लोगों को घेरने लगी है, जो 2-3 घंटे में जैसे खून की नदियाँ बह गई हैं। एक एक करके चारों तरफ से चीख पुकार, खून खराबा आ रहा है, चारों तरफ से अजीब सी खून और एक तरीके से डेड बॉडीज की स्मेल आनी शुरू हो गई। आज पापेट आर्मी में भी वेनरॉन ने पूरी एनर्जी लगा दी है। वेनरॉन सबसे ऊपर कोने में खड़े होकर अपनी इन आयरन की पावर से उन पापेट आर्मियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसीबत तो तब बढ़ती जा रही है कि जितने लोग मूव को कल्टीवेशन वर्ल्ड की आर्मी वांगजी की आर्मी फाइट करके मार रही है, उतने ही लोग पढ़ के दोबारा से पपेट बन के उनके अगेंस्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हर किसी को पपेट आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया। वहीं बीचों बीच लान शिचेन को हैं, जो आज भी घायल हालत में अपने भाई की मदद के लिए आए थे। शिचेन का यहाँ आना वैसे तो कुरैन और वांगजी को पसंद नहीं आता, लेकिन इस समय आज जिस माहौल है किसी का भी यहाँ ना रहना भी गलत था। हर कोई अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आज एक तरीके से फैसले का टाइम है। आज सब कुछ फाइनल होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसलिए कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया इस वॉर में एक मतलब शामिल ना होने से। वहीं शिचैन की तरफ उसे कमज़ोर देख के वेंचाओ अपनी पूरी की पूरी पपे डाल में उस तरफ फेंकता है और खुद उसे प्लेट करने लगता है। फिर आप शिचैन को चारों तरफ से उसकी उनकी पपे डाल ने घेरा हुआ है। वहीं शिचैन भी हार मानने वालों में से कहा, वो भी अपनी तलवार लेके उनसे पूरे जोरों शोरों में से लड़ रहे हैं। मिंग्याओ भी इस समय शिचैन की हालत देख के डर रहा है। वहीं लांगवांगजी भी उनकी तरफ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो देख चुका है कि पीछे से वेंचाओ उनको अटैक करने वाला है। शायद कुछ ही पल में वांगजी की दुनिया रुकने वाली है, उसके ब्रदर को कहीं वेंचाओ कुछ ना कर दे। यही सोच के वांगजी दौड़ता हुआ अपने अपने ब्रदर की तरफ भाग रहा है। इससे पहले वेंचाओ अब एक तरीके से शिचैन को कुछ कर पाता, सडनली एक म्यूजिक प्ले होने लगता है, जिसके कारण वेंचाओ अपने हाथ को मूव ही नहीं कर पाता, जैसे वो एक बुत बन के खड़ा हो गया। सिर्फ वेंचाओ ही नहीं, जितने भी पपेट्स थे वो भी अपने उसी पोजीशन पे रुक जाते हैं। वहीं मैन रोहन के चेहरे पे पसीना आ जाता है, क्योंकि ये म्यूजिक उससे वो भी अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे। ये सारे लोग जैसे एक तरीके से अपनी ही जगह पुतला बन के खड़े हुए हैं। इस म्यूजिक को सुन के इन लोगों को ऐसे रिएक्ट करते देखे सब लोग भी इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ लोग तो इस समय इन जो लोग स्टोन खड़े हुए हैं उन्हें मारना भी शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक शिचैन है। शिचैन जब देखते हैं कि वेंचाओ उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, तो शिचैन भी अपनी वॉल से तुरंत वेंचाओ की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर देते हैं। जिसे देख के वेंडवा जो अब हिल तो नहीं पा रहा, पर बहुत जोर से नहीं करके चीखते हैं। वहीं वेंजू भी अपने भाई की डेड बॉडी देख के जोर से चीख पड़ते हैं, पर इन सब की नज़रें उस आवाज़ पर जाती हैं जिस आवाज़ ने ये करा है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उधर से ये म्यूजिक प्ले करते हुए कोई और नहीं बल्कि विंग आ रहा था, जिसके साइड में एक तरफ से मतलब सोंगलेन है और एक तरफ से शाओ शिनचैन है। एक पपेट आर्मी के एक दिन कुछ लोग जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें एक एक करके ये दोनों मारते हुए आ रहे हैं। वहीं विंग को वहाँ आते देखे वेंचाओ खुद को एक स्पेल से फ्री करने की कोशिश करता है और आखिरकार वो फ्री हो जाता है। अब तक जिन इन आयरन को मैन रोहन अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था, अब उसे खुलेआम वो अपने दोनों हाथों में लेके अपने इन आयरन से पूरी तरह से अटैक करना शुरू कर देता है। वो इतनी ज़ोर से विंग की तरफ अटैक करता है कि ना जाते हुए सब लोगों के मुँह से विंग करके चीख निकल जाती है। वे जान से तो दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाते हैं, लेकिन एक अजीब सा ही दृश्य होता है। वो धुआं जो वेंडवान के हादसों से निकल के विंग की तरफ गया था, वो धुआं विंग के चारों तरफ घूमने लगता है।
और विंग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। ये देख के बेचारे रंग मांग जी और वी जान से तो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं कि विंग को कुछ ना हो जाए। बाकी सब कल्टीवेटर भी ये देख के शौक है ये हुआ कर, लेकिन उसके बाद जो वो देखते हैं तो उससे ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये धुआं धीरे धीरे करके विंग को हवा में फ्लोट करने लगा है, जैसे विंग हवा में उड़ रहा हो। विंग इस तरीके से हवा में उड़ रहा है, ये देख के सब लोग घबरा रहे थे। अब उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग उसी बांसुरी को उसी तरीके से प्ले करने लगता है। और जैसे जैसे विंग वो म्यूजिक प्ले कर रहा है, वो धुआं उसके सराउंडिंग में ही घूम रहा है, लेकिन विंग को टच नहीं कर रहा है वो धुआं। जैसे ही विंग अब अपनी आंखें खोलता है, जो कि प्योर रेड हो चुकी हैं, वो धुआं अब विंग से हट के दौड़ता हुआ वेंसु की तरफ दौड़ता है। अब वेंसु के ऊपर वो धुआं उसी तरीके से अटैक करता है जिस तरीके से शायद रोहान विंग को मारना चाहता था। वेंसु की चीखें निकलने लगती हैं, जैसे कोई चीज़ उसे अंदर से मार रही हो, जैसे उसकी बॉडी का एक एक पार्ट टूट रहा हो, उसकी एक एक हड्डी टूट रही हो। वेंसु की चीखों से वो पूरा ग्राउंड अपनी जगह डर के घबरा जाता है। और वहीं वैन रोहान नहीं डर के अब उस ऊंचे से तख्तर से नीचे की तरफ आता है और चीखते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम ही नारायण की पावर को रोका कैसे, तुम्हारे पास इतनी पावर है ही कैसे। अभी अपने हाथों में बांसुरी को प्ले करते हुए अपने चेहरे पे एक कनिंग स्माइल देते हुए वैन रोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग खड़े होके जैसे एक प्ले देख रहे हो, सब लोग लड़ना भूल रहे हो और ये देख रहे हो कि कैसे एक छोटा सा 19-20 साल का कमज़ोर सा दिखने वाला मासूम सिर्फ चेहरे वाला वीरूषण इस वेंचाओ को ललकार रहा है। वो भी वीरूषण जिसके सब लोग इतना वीक मानते थे, क्या होगा कि 6 महीने में वो इतना स्ट्रांग बन गया कि वो डायरेक्ट बिना किसी तलवार के वैन रोहान के सामने खड़ा है, जिसके चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस कि वो वैन रोहान को एक पल में हरा सकते हैं। वैन रोहान और विंग की अब प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो जाती है, दोनों आपस में जैसे फाइट कर रहे हो। वैन रोहान नई नारायण से अटैक कर रहा हो और विंग अपनी म्यूजिकल नोट से सिर्फ डांस कर म्यूजिक बजा रहा हो, म्यूजिक बजाता जा रहा है। और उसके साइड में जितने भी क्रॉप्स आ रही हैं उन्हें सॉन्गलैन और शांशन एक एक करके मारते जा रहे हैं। एक अजीब सा माहौल हो गया, बाकी सब लोग तो बस खड़े होकर ऐसे दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी आर्मी अब उन लोगों से लड़ाई ही नहीं कर रही है, वो सारे लोग सिर्फ विंग की तरफ दौड़ रहे हैं। वहीं विचान से और लांगवांग जी भी अब सॉन्गलैन और शांशन के साथ उस वॉर इसमें इकट्ठे हो गए। जो भी विंग की तरफ आगे बढ़ रहे अब एक एक करके ये सब लोग उसे मारते जा रहे हैं। वहीं विंग एक एक कदम से जैसे वैन रोहान के आगे तरफ बढ़ा रहा है, वैन रोहान का मन बहुत घबरा रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है जितना उसने इस नारायण को एक्टिव करके जो पावर स्टार्ट की है उस पावर से उन पर अटैक करें, लेकिन उसकी हर पावर को हर उसको जैसे विंग की बॉडी टच ही नहीं करने दे रहे। और थोड़ी देर में विंग बिल्कुल वैन रोहान के सामने आ जाता है, बाकी सब लोग विंग के पीछे हैं और वैन रोहान घबराया हुआ है। अभी अपनी बांसुरी से सिर को अपनी एक तरीके से अपनी पॉकेट जैसी जगह वो होता है बेल्ट में घुसाता है और अब अपने हाथों को जैसे क्लैप मारता है। जैसे ही विंग अपने हाथों में क्लैप करता है वो इन हिरन के टुकड़े वैन रोहान की तरफ से आगे आके विंग के हाथों में आ जाते हैं। अभी बहुत ज़ोर से दोबारा से क्लैप मारता है और वो दोनों टुकड़े जैसे पत्थर जो थे वो एकदम से हवा में राख की तरह उड़ जाते हैं, जैसे वैन रोहान के मुंह से चीख निकल के वो जमीन नीचे बैठ जाता है और अपने सीना पकड़ लेता है। जैसे जैसे वो पत्थर राख होते जा रहे हैं वैसे ही वैन रोहान की बॉडी भी राख होती जा रही है। वैन रोहान ने अपनी गोल्डन कोर अपनी सोल एक तरीके से इन आयरन को दे दी थी, वहीं इन आयरन के नष्ट होते ही वैन रोहान की वो सोल भी नष्ट हो जाती है, वैन रोहान की बॉडी भी राख की तरह हवा में उड़ जाती है। कोई समझ ही नहीं पाया ये कुछ पलों में कुछ सेकंड में विंग ने करा क्या, लेकिन जैसे ही वो राख वहाँ से गायब होती है इन आयरन गायब होता है, विंग भी धड़ाम करके नीचे की तरफ गिरने लगता है। विंग को बेहोश होता देख के वीचान से और लांगवांग जी दौड़ के उसे पकड़ लेते हैं, या वीचान से उसका सर पकड़ते हैं ताकि वो ज़मीन में ना लग जाए। वहीं विंग उसकी पूरी बॉडी को अपनी गोद में ले लेते हैं जैसे एक बच्चे को पकड़ लिया हो। दोनों अब एक दूसरे की आंखों की तरफ देखते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और विंग विंग करके दोनों बोलने लगते हैं। भाई बाप वो पपेट आर्मी भी धीरे धीरे करके हवा में गुम होती जा रही है, कोई समझ नहीं पाया ये सब हुआ कैसे। पर बाकी सब लोग वहाँ पे सॉन्गलैंड शाओशिन चैन और उसके साथ आए उन वॉरियर्स को देख कर काफ़ी शौक है। अब विंग को अभी चांस से उनके अपने महल की तरफ ले जाते हैं और सॉन्गलैंड और शाओशिन चैन सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बताते हैं।
कि विंग उन्हीं के साथ था और उन्होंने ही विंग को ट्रेन किया है। विंग अब डार्क कल्टीवेशन भी जानता है और सिर्फ डार्क कल्टीवेशन की वजह से ही वो लोग इन आयरन को हरा पाए थे। वो लोग पूरी लाइफ भी अगर लड़ते तब भी वैन रोहन को हरा नहीं सकते थे, क्योंकि वैन रोहन ने खुद इन आयरन को अपनी सोल दे दी थी, जो कि अब तक जितने भी कल्टीवेशन करने वाले कल्टीवेटर थे किसी ने नहीं किया था, और इसी कारण वैन रोहन इतना स्ट्रांग बन गया था। अब बाकी सब लोग उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग ऐसे बेहोश होने के कारण उसके करीबी, उसके प्यार करने वाले लोग जैसे जनचा, यानली, लांशी चैन, नी मिंजे, नी हुसैन, बेंचिंग, वैनिंग, जैन, ये सब लोग घबराते हुए वी ग्रैंड पहुँचते हैं। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है, अब कल देखेंगे आगे क्या